आज हम आपके साथ प्रैक्टिकल सेशन लेने वाले हैं लाइब्रेरी फंक्शन और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, जिसकी थ्योरी हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप उस वीडियो को देखकर वो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, हम आपको आई बटन में दे देंगे। सो लेट स्टार्ट फॉर द प्रैक्टिकल सेशन। सबसे पहले मैडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h, ctype.h, math.h, conio.h। ये सब इसलिए हम लोग ने डिफाइन किया है क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइन हैं और हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। void main, मेन फंक्शन खोलेंगे और लाइब्रेरी फंक्शन को मेंशन करेंगे। उसके पहले हमें कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन किया i इक्वल्स टू माइनस 10, जो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग ने हमको यूज़ करना है। e इक्वल्स टू 2 फॉर एक्सपोनेंट वेरिएबल, d इज फॉर 10 फॉर द लॉग वेरिएबल, rad इज फॉर रेडियन एंड 60 डिग्री के लिए रेडियन 1.0001 के करीब होता है, और डबल में लेंगे d1 d2 इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और उसका पावर हमें निकालना है। फ्लोट लेकर डिग्री निकाल लेंगे कि 1.0001 की डिग्री कितनी आती है। तो जब हम डिग्री रेडियन इंटू 180/22/7 करेंगे तो हमारी डिग्री आ जाएगी, जिसको हम प्रिंट करेंगे। उसके पहले हमें क्लियर स्क्रीन करनी है, क्योंकि जब भी हम फिर दोबारा रन करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो लेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले डिग्री इक्वल्स टू 0.25 करेंगे, मतलब 2 डिजिट तक फ्लोटिंग पॉइंट के डिग्री को डिस्प्ले करेंगे। फिर ABSI करेंगे, ABSI जो है -10 को 10 कर देगा। साइन रेड और कॉस रेड लेंगे तो रेडियन की डिग्री की वैल्यू साइन कॉस में आ जाएगी। एक्सपोनेंट E2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और 10 का लॉग निकालेंगे तो 10 का लॉग 0 होता है, जो सभी को पता है। और अब हम पावर निकालते हैं 3.0 4.0 की, मतलब 3 द पावर 4। तो 3 द पावर 4 जब हम करेंगे तो उसमें 0 डेसिमल पोर्शन हम नहीं प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए 0.0f लिखा है। सो लेट रन इट। दिस इज द वैल्यू, 60 डिग्री आई, एब्सोल्यूट 10 हो गया -10 का, साइन कॉस की वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंट 2.0000 आ गए। एक्सपोनेंट भी आप चाहें तो डेसिमल पोर्शन कम प्रिंट कर सकते हैं। लॉग 0 आ गया, लॉग का 0 बेस जो था 10 था। पावर जो है 3 द पावर 4 81 आ गया। तो इस तरह से हम अपने लाइब्रेरी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आई फंक्शन के लोकल फंक्शन की। तो लोकल फंक्शन में हम लोग प्रोग्राम लेंगे ग्लोबल फंक्शन एंड लोकल फंक्शन। इस प्रोग्राम को लेंगे अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा फंक्शन के अंदर डिफाइंड वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल डिफिनीशन एंड इनिशियलाइजेशन इन मेन। तो मेन में हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे जो इंट फन लिखा है, फन इज अ प्रोटोटाइप फंक्शन विच वी डिफाइन इन बिफोर द मेन। मेन के पहले जो भी फंक्शन डिफाइन होता है वो प्रोटोटाइप होता है। इंट एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिया, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 30 ली, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंट डी, वाई इक्वल्स टू परसेंट डी एंड जेड इक्वल्स टू परसेंट डी। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द ब्लॉक वर्क एज अ ऑटोमेटिक वेरिएबल। अब हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि जो वेरिएबल हम
फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल होता है. सेम वेरिएबल नेम कैन बी टेकन इनसाइड एनी ब्लॉक. जो मेन के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो किसी ब्लॉक में भी यूज हो सकता है. तो जो जेड वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो मेन में भी यूज हो सकता है और फंक्शन में भी यूज हो सकता है. तो फंक्शन में हम जा करके वेरिएबल को int p q z equals to 1 कर देंगे तो z equals to 1 फिर से यूज हो जाएगा. वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि z पहला वाला मेन का लोकल फंक्शन है और दूसरा वाला जो है वो आपका ब्लॉक का फंक्शन है. जो करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो ब्लॉक होता है. तो ब्लॉक के अंदर जो हमने z लिखा वो ब्लॉक का लोकल फंक्शन है और ये z जो है आपका मेन का लोकल फंक्शन है. तो जब हम यहाँ पे int p q z equals to 1 करते हैं, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 4 तो करते हैं, तो z की वैल्यू आपकी जुड़कर 6 आ जाएगी, जिसको हम प्रिंट कर देंगे. और दोनों z अलग अलग ढंग से काम करेगा. पहला z मेन के लिए लोकल वेरिएबल है, दूसरा z जो है वो ब्लॉक के लिए लोकल वेरिएबल है. उसके बाद हम फिर से अगर z को डिफाइन करते हैं मेन में तो रीडिफाइन एरर आएगी. z इक्वल्स टू 10 यहाँ पे हम नहीं कर सकते. अब फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन में हमने z इक्वल्स टू 2 लिया, यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 2 ले लिया. अब यहाँ पे ये जो z है ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है. तो इस तरह से लोकल वेरिएबल आप सेम नेम का कई बार डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि लोकल वेरिएबल जो होता है वो आपका लोकल वेरिएबल जो होता है जहाँ पे डिफाइन रहता है उसका लोकल वेरिएबल होता है. तो यहाँ पे z को हम 3 बार डिफाइन करें, एक बार फंक्शन के अंदर, एक बार ब्लॉक के अंदर और एक बार मेन के अंदर. तो मेन का z अलग है, उसको कंप्यूटर अलग समझता है और ब्लॉक का z अलग है क्योंकि जैसे ही ब्लॉक से बाहर हम निकलते हैं z की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है. और फिर हम जब फंक्शन में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे अगर हम डिफाइन फिर से z करेंगे तब नहीं डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी z यहाँ डिफाइन है. तो यहाँ पर रीडिफाइन अगर आ जाएगी. अब हम जब फंक्शन के अंदर z डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम फंक्शन में डिफाइन कर सकते हो और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी. अब देखते हैं यहाँ पर 6 प्रिंट होगी, यहाँ पर 2 प्रिंट होगी और यहाँ पर आपकी 50 प्रिंट होगी. तो चलिए देखते हैं क्या करता है. ये सेव कर दें, ये हम लोग ने चेंज किया है. इसके बाद रन करते हैं, 2 एरर आ गई. देखिए यहाँ पे i जो है ये बड़ा हो गया है. ये इसका ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये अगर बड़ा हो जाता है तो वर्क नहीं करेगा. तो यहाँ पर सारे i हमको छोटे करने पड़ेंगे. यहाँ पे भी देखिए ये i जो है हम लोगों का बड़ा हो गया है. अब इसको फिर से सेव करते हैं, अल्टर r करते हैं. ये देखिए वैल्यू ऑफ x 20, y 30, z 50 आया और वैल्यू ऑफ p 2, q 4, z 6 आया और वैल्यू ऑफ z 2 आया. तो तीन जगह z हमने डिफाइन किया लेकिन पहली बार एडिशन, फिर 20 30 का 50 आया, फिर 2 4 का 6 आया और फिर z की 2 वैल्यू जो डिफाइन की थी वो 2 आ गई. अब इसको क्लियर देखने के लिए आपको CLR SCR आप लगा सकते हैं जैसा कि हमने बताया है हर बार कि कैसे कर सकते हैं. कोनियो डॉट एच लगाएंगे और यहाँ पर जब वैल्यू डिफाइन कर ले, लेकिन इसमें वैल्यू बार बार डिफाइन हो रही है तो ये नहीं हो पाएगा. तो इसमें वैल्यू बार बार डिफाइन हो रही है तो ये नहीं हो पाएगा. तो रिटर्न जीरो जहाँ पे है उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे गेट सी एच कर लें जिससे वैल्यू हॉल्ट हो जाए और आप देख पाइए. तो ऑल्टर एफ एस ऑल्टर आर, अब देखिए वैल्यू क्या आती है. फिर से वही वैल्यू उसने प्रिंट की, वैल्यू ऑफ एक्स 20, वाई 30, जेड 50,
पी का 2, क्यू का 4, जेड का 6 और जेड का 2। एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर सी एल आर एस सी आर ऑल्टर एफ एस ऑल्टर ज्यादा से ज्यादा एरर देगा और क्या। नहीं हो गया। तो आप जहाँ पे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसके बाद हम सी एल आर एस सी आर दे देंगे। देखिए अब आपका प्रोग्राम प्रॉपर वे से डिस्प्ले हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल पे। तो फिर से जाएंगे टाइल में जा करके देखेंगे ये ग्लोबल वेरिएबल पे। तो ग्लोबल वेरिएबल को ऑन कर लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे और अब इसको रन करेंगे और पहले समझेंगे कि क्या कह रहा है ये। तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हर जगह यूज आप कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि इसका बेनिफिट है तो लॉस भी है, क्योंकि अगर एक बार आपने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर लिया तो कहीं भी वो प्रोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया जेड इक्वल्स टू 10 मेन किया। फिर लोकल वेरिएबल डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन मेन एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन हुआ एक्स वाई वो लोकल है। अब जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अगर Z प्रिंट करने से पहले कैलकुलेशन करने से पहले अगर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं तो क्या होगा। कॉपी किया और यहाँ पर ऑल्टर ई और पी। अब ये देखिए Z कैलकुलेट होने से पहले अगर हमारा प्रिंट होगा तो Z की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, अदरवाइज ये क्या करेगा ऐड करके 50 प्रिंट करेगा। अब हमने फंक्शन कॉल किया, अब फंक्शन में क्या करेगा ग्लोबल वेरिएबल, अब इसको आप रन करके समझिए। ऑल्टर एफ एस ऑल्टर आर रन। यहाँ फिर वही प्रॉब्लम है, ये पता नहीं क्यों बड़ा ले लेता है, इसको आई छोटा कर दें। आगे और कहीं तो नहीं है, नहीं है। ऑल्टर एफ एस यस ऑल्टर आर रन नो गेट सी एच लगाना भूल गए, तो यहाँ पर गेट सी एच लगा दीजिए। गेट सी एच इसीलिए लगाते हैं कि स्क्रीन पे आपकी वैल्यू जो आउटपुट आया है वो देखिए। अब देखिए वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 50। अब सी एल आर एस सी आर तो नहीं लगाया था, तो यहाँ पर सी एल आर एस सी आर भी लगा दीजिए। अब देखिए x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 30 है, तो पहली बार z देखिए बिना जुड़े जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो 10 प्रिंट हो रहा है, और जब हम जोड़ के प्रिंट कर रहे हैं तो वो 50 प्रिंट कर रहा है, और जब फंक्शन में हम कर रहे हैं तो वो 50 प्रिंट कर रहा है। अब मान लीजिए फंक्शन में हम z की वैल्यू को खुद डिफाइन कर देते हैं तब वो क्या करेगा। तो यहाँ पर अभी तो 50 हो चुका था इसलिए प्रिंट कर रहा है, अब यहाँ पे इंट करके z इक्वल्स टू हमने दे दिया 100 ऑल्टर एफ एस ऑल्टर आर। अब देखिए ये फंक्शन में z की वैल्यू को 100 कर देगा। तो ग्लोबल वेरिएबल हर जगह इजीली चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर पहला z जो है वो ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन हुआ 10, तो हमने उसको जब प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए 10 प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ एडिशन के बाद हुआ तो 50 प्रिंट हुआ, और फिर जब फंक्शन में हमने कॉल किया तो 100 प्रिंट हुआ। तो वो इजीली हर जगह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम करते हैं z इक्वल्स टू z माइनस 25, तो आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ऑल्टर एफ एस ऑल्टर आर
यहाँ पर z इक्वल्स टू z और तक r run, ये देखिए z इक्वल, अच्छा इक्वल नहीं लगा क्या, हाँ z z माइनस 25 z इक्वल्स टू 25 मान लीजिए पहले, ऑल्टर f s ऑल्टर r ऑल्टर f s ऑल्टर no ऑल्टर f s yes ऑल्टर r run। तो ये देखिए डायरेक्ट वो वैल्यू को चेंज कर लेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल हर जगह असाइन करने पर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम z की वैल्यू 10 फिर से कर दें और z इक्वल्स टू z प्लस 20 कर दें तो क्या करेगा, z प्लस 20 कर दिया, ऑल्टर f किया s किया ऑल्टर r करेंगे, एरर दे दिया उसने, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगा है, ऑल्टर f s yes r, ये देखिए अब z की वैल्यू उसने क्या किया 30 कर दिया। तो इसलिए हम z की प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा z की वैल्यू देखिए यहाँ पर डिफरेंट ढंग से चेंज हो रही है, 50 जो हो चुकी थी उसको हमने 10 कर दिया और उसमें जब वैल्यू हमने ऐड किया 20 तो वो 30 प्रिंट हो गया, आपके सामने है आंसर, ये देखिए। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करते हैं आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल हर जगह चेंज हो जाएगा और इसलिए उसको बहुत केयरफुली डिफाइन करिए और इनिशियलाइज करिए। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन एंड इट हैज़ अ ग्रुप ऑल्सो, गो टू द कम्युनिटी, कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू।